पांचवी कक्षा में यूज ऑफ हैज हैव का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कब होता है? रखता है, रखती है या है के उच्चारण में। जब किसी के पास कोई वस्तु हो, यानी हैज हैव का प्रयोग रखता है, रखती है या है के उच्चारण में, जब किसी के पास कोई वस्तु हो, किसी के अधिकार में कोई चीज हो, तब किसका प्रयोग करना है? हैज या हैव का। और हैज का प्रयोग कब करते हैं? एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता पहले बता चुका हूँ मैं, ही है, सी है, इट है, दिस है, दैट है, मोहन है, किसी का नाम है, तो एक वचनकर्ता का प्रयोग करना है। तब किसका प्रयोग करना है? हैज का। हैव का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ, वी दे, वी है, दे है, दीज है, योज है, तथा आई व यू के साथ। तो जब हैज और हैव का प्रयोग करना होता है, जैसे हमने ही जारे में किया, आवाज पर किया, तब कोई किसी के पास कोई वस्तु हो या उसके अधिकार में हो, उससे जुड़ी हुई हो, तब हैज हैव का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ हैज, वो वचन आई व यू के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? हैव का। जैसे आप कहें मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, इसका मतलब आपके अधिकार में एक कार है। तो आप मेरे के लिए यहाँ माई नहीं लगाओगे, आप यहाँ मेरे के लिए आई लगेगा। आई के साथ क्या लगता है? आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो ये आपके अधिकार में होने की बात कर रहा है। उसके पास किताब है, उसके पास एक किताब है। उसके या किसके लिए आएगा? उसके आएगा ही के लिए। ही के साथ क्या लगाना है? ही है जे बुक। उसके पास एक क्या है? किताब है। तो आपने को ये ध्यान रखना है कि आपके अधिकार में कोई चीज हो तो क्या किसका प्रयोग करना है? हैज या हैव का प्रयोग करना है। जैसे गाय के चार टांगे होती है, गाय की कितनी टांगे होती है? चार टांगे होती है। तो गाय सीधी भी है, तो द काऊ एक वचन है, इसका प्रयोग कर देंगे हैज का। द काऊ हैज फोर लेग्स, गाय के चार टांगे होती हैं। उसके पास दो घड़ी है, उसका किसके लिए आया है? ही, लड़की हो तो सी आ जाएगा। ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। ही हैज दो घड़ी है, तो टू वॉच। ही हैज टू वॉच, उसके पास कितनी घड़ियां हैं? दो घड़ियां हैं। तो इस प्रकार हैज और हैव का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई चीज आपके अधिकार में हो या आपके पास में हो या आपसे जुड़ी हो। आप कह दो मेरे दो भाई बहन हैं, मेरे दो भाई बहन हैं, तो आप कहोगे आई हैव टू ब्रदर्स। मेरे दो भाई हैं तो आप कहोगे आई हैव टू ब्रदर्स। आपके खुद के दो भाई हैं, ठीक है ना, आप स्वामित्व रखते हैं, तो आपके अधिकार में हैं, आपसे जुड़े हैं, तो आई हैव टू ब्रदर्स आ गया।
तो मेरे पास एक कार है तो आई हैव ए कार आ गया। तो अगर हैज और हैव का अंतर ध्यान रखना है और कब इसका प्रयोग करना है इसको ध्यान में रखना है। जैसे हमने इज आर एम पढ़ लिया, वाज वर पढ़ लिया, ये हैज है हो गया, तो इनका विशेष ध्यान रखना है। ये भी प्रेजेंट में वर्तमान काल में प्रयोग करते हैं इस टेंस का। टेंस तब हम करेंगे, पहले हम सामान्य जानकारी यूज ऑफ इज आर एम आया, हैज हैव आया, वाज वर आया, इस तरह हम पहले पहचान रहे हैं। उसके बाद जब हम टेंस करेंगे तो अच्छी तरह एक क्लियर हो जाएगा इसमें। अभी इनमें छोटे वाक्य हम आराम से बना सकते हैं कि उसके दो हाथ होते हैं, उसके दो हाथ हैं, तो या हैज हैव का प्रयोग करेंगे। उसके पास दो कार हैं, उसके पास 10 पेन हैं, उसके पास एक घोड़ा है, मोहन के पास एक किताब है, तो ये सब जो है उसके अधिकार में होने की बात करें तब हम यूज ऑफ किसका प्रयोग करेंगे, हैज हैव का प्रयोग करेंगे।